Hey everyone, welcome to Study IAS और मैं हूं आपका दोस्त आपका एजुकेटर अमन शर्मा आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन के साथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और आज की मुलाकात आप लोगों के लिए भी उतनी ही स्पेशल है जितनी मेरे लिए। आज के सेशन का टॉपिक है व्हाट आर दी थ्री लेवल्स ऑफ UPSC CSE प्रिपरेशन। हर साल लाखों लोग UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी पर उतरते हैं और धीरे धीरे अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, पर वो बस तैयारी में लग जाते हैं विदाउट नोइंग कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम लोगों को डायरेक्शनलेस पाथ नहीं अपनाना चाहिए। व्हेन वी हैव अ पाथ वी शुड फॉलो इट स्टेप बाय स्टेप। सिमिलरली UPSC की तैयारी भी होती है। UPSC प्रिपरेशन के तीन लेवल होते हैं। Now, what are the three levels of UPSC preparation? दोस्तों जो तीन लेवल है ना, अगर आपने इन तीन लेवल को समझ लिया, प्रीलिम्स और मेंस की जर्नी आप लोगों के लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। The first level of UPSC CSE preparation is the basic level. देखो भाई, आप साइकिल चलाना भी स्टार्ट करते हो तो भी सबसे पहले आप बहुत धीरे धीरे और पीछे दो एक्स्ट्रा पहिए लगा के स्टार्ट करते हो, जिससे कि हमें सबसे पहले समझ आ सके कि बैलेंस कैसे करना है। सिमिलरली UPSC के अंदर जो वास्ट सिलेबस है, और आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मेडिकल से आया है, कोई इंजीनियरिंग से आया है, कोई एग्रीकल्चर से आया है, तो आप लोगों को अपने बेसिक्स मजबूत करना जरूरी हो जाता है। बेसिक्स मजबूत करें कैसे? बेसिक्स मजबूत करने के लिए ही तो सब लोग आप लोगों को बोलते हो फोकस ऑन NCERTs, क्योंकि वो NCERTs आपको स्कूलों में पढ़ाई गई थी, पर आपने उस समय पर उस तरीके से नहीं पढ़ी जिस तरीके से आपको पढ़नी चाहिए थी और जिस तरीके से आप उसका इस्तेमाल अपने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एग्जाम में करोगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो। इससे क्या होता है कि जो चीज आप भूल चुके हो या जो नॉलेज अभी आप एक्वायर करने वाले हो या उस चीज को इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसके ABCD की जानकारी आप लोगों को मिल सके, उसके लिए हम लोग बेसिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, NCERTs के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ व्हाट इज द सेकेंड लेवल? गाइस, सेकेंड लेवल इज द एडवांस लेवल। एडवांस लेवल पे जो चीजें हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ी हैं उनसे एक लेवल ऊपर हम लोग पढ़ाई करते हैं। जैसे मान लो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो NCERTs, तो उसके बाद आप मृणाल सर की वीडियोस पे आते हो, नोट्स पे आते हो, या रमेश सिंह सर की किताब पे आते हो। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आप अपनी कोई और बुक रेफर करते हो, टीचर्स को रेफर करते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बेसिक से एडवांस तक की जर्नी में जाते हैं। तो ये वाली जो जर्नी है ना, बेसिक्स और एडवांस वाली, ये जर्नी हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्रैक कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जर्नी डिफरेंस है बिटवीन गेटिंग 80 मार्क्स इन प्रीलिम्स एंड 120 मार्क्स इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। आपके ब्रेन का लेवल भी उसी तरीके से विकसित हो जाता है। जब आप टेस्ट सीरीज देते हो, वो क्या है, अपने बेसिक्स को एडवांस तक पहुंचाने की जर्नी ही आपको टेस्ट सीरीज में मदद करती है। तो पहला लेवल बेसिक, दूसरा लेवल एडवांस, ना थर्ड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिस लेवल के ऊपर आपका मेंस और इंटरव्यू टिका हुआ है। ना दैट लेवल इज एनालिटिकल लेवल, एनालाइजिंग द थिंग्स, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, इंप्लीमेंटिंग दोज थिंग्स। आपने मॉनसून पढ़ तो लिया, पर जब बिन मौसम बरसात हुई तब आपने समझा कि यही होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपने जो चीजें अपने बेसिक्स में पढ़ी, एडवांस किताबों में पढ़ी, उनको इंप्लीमेंट आपने करना सीख लिया। मान लो आपने पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ा, आपने ये समझा कि हाँ भाई, हमारे पार्लियामेंट कैसे काम करता है, आपने समझा कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन शेड्यूल नंबर 10 आप लोगों ने समझ लिया, और जब किसी मंत्री ने अपना दल बदल लिया, उस समय आपका दिमाग क्लिक हुआ कि नहीं, यहां पर अब स्पीकर की पावर काम करेगी,
शेड्यूल नंबर 10 के अंदर। इसे बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स। आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो और आप उसमें एनालाइज कर पा रहे हो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, दैट इज योर एनालिटिकल स्किल्स। रीडिंग न्यूज़पेपर इज अ पार्ट ऑफ योर एडवांस स्किल। याद रखना, न्यूज़पेपर्स आपके बेसिक्स में नहीं आते हैं, न्यूज़पेपर्स आर अ पार्ट ऑफ योर एडवांस स्किल, प्लस दे प्रोवाइड यू एन एनालिटिकल नॉलेज। ये तीन लेवल हैं। अब आपको देखना है कि आप अभी किस लेवल पे काम कर रहे हो। अपने आप को टेस्ट करने के लिए यू कैन गो फॉर टेस्ट सीरीज, यू कैन गो फॉर डिस्कशन, यू कैन गो फॉर मोर बुक रीडिंग, यू कैन गो फॉर मेन्स आंसर राइटिंग एंड देन गेट इट इवैल्यूएटेड विद द एक्सपर्ट्स। ये काम करो, यूपीएससी सीएससी की जर्नी आपके लिए उतनी ही आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए फायदेमंद रहा होगा। आपकी कौन सी लेवल चल रही है, बेसिक, एडवांस या एनालिटिकल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।